नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें आपको आसानी से मिल जाए। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही खास है। आज मैं आपको बताऊंगा समरसीबल मोटर का 24 स्लॉट की जो समरसीबल मोटर होती है 3 फेज की, उसका चैन वाइंडिंग का डायग्राम। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पे मैंने कुछ स्लॉट्स बना रखे हैं, ये टोटल 24 स्लॉट्स हैं। तो मैं डायग्राम से वाइंडिंग समझाऊंगा इसकी कैसे करते हैं। ये पनडुब्बी मोटर होती है 3 फेज की, उसकी भी चैन वाइंडिंग इस तरह से कर सकते हैं। और नॉर्मल जो समर्सिबल मोटर होती है 24 स्लॉट की, उसका भी आप वाइंडिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले इसका मैं टोटल सेट बता देता हूँ। तो टोटल सेट देखिए, मोटर के अंदर जब हम नॉर्मल वाइंडिंग करते हैं, जबकि बात है नॉर्मल वाइंडिंग करते हैं तब भी उतनी ही चीजें लगेंगी, ठीक है, वही डाटा लगेगा। और जब चैन वाइंडिंग करेंगे तब भी डेटा हमारा जो मोटर का है वो सेम ही रहेगा। लेकिन एक चीज आपको करनी होगी, वो ये है कि जब हम नॉर्मल वाइंडिंग करते हैं तो टोटल सेट हम डालते हैं तीन, चार चार कॉइलों के 3 सेट हम डालते हैं। ठीक है, 3 सेट हम डालते हैं चार चार कॉइलों के, और एक सेट में 4 कॉइल होती हैं, यहाँ पे लिख दिया मैंने। ठीक है, लेकिन जब हम चैन वाइंडिंग करेंगे तो जो हमने हमारे जो सेट होते हैं ना तीन, तो उस 3 का हमें 6 सेट करना होता है। वो इसलिए कि चार चार कॉइलों से बने हैं ना, तो उसको हम डबल कर देते हैं। डबल ऐसे करते हैं कि बीच से कट कर देते हैं। जैसे एक सेट में 4 कॉइल है, जैसे मैं यहाँ पे बता देता हूँ, एक सेट इस तरह से है, छोटी कॉइल फिर उससे बड़ी कॉइल है, ठीक है, इस तरह से है, ठीक है, फिर एक बड़ी कॉइल है और एक फिर छोटी कॉइल है। तो इस तरह से होते हैं और ये तार हैं। तो ये हमारा नॉर्मल जब हम वाइंडिंग करते हैं ना, तब ये सेट इंस्टॉल करते हैं। अब कॉइल जब हम चैन वाइंडिंग करेंगे तो कॉइल तो हमारा जो 4 ही बनेगा, सेट सेट में 4 ही रहेगा, लेकिन यहां से हम इसको कट कर देंगे, यानी कि अब 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सेट बन जाएंगे 6, 3 के डबल हो जाएंगे और कॉइल हो जाएंगी 2। पहले 4 4 कॉइलें थी, अब 2 2 कॉइलों की 6 सेट हैं। ठीक है, तो अब उसको कैसे डालते हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ, फिर वाइंडिंग की भी हम वीडियो देंगे आपको और कनेक्शन की भी देंगे, इसके कैसे कनेक्शन करते हैं स्टार में या डेल्टा में। तो मैं यहाँ पे कलर ले रहा हूं, ठीक है। और सबसे पहले 2 पॉइंट होते हैं, एक इनर पॉइंट एक आउटर पॉइंट। तो सबसे पहले पिच होता है मोटर का, रिवाइंड करने से पहले तो पिच सेम रहेगा, पिच में कोई बदलाव नहीं होगा, पिच रहेगा 10 12, ठीक है, 10 12 रहेगा आपका जो मोटर का पिच है वो। तो यहां से हम शुरू करते हैं, ठीक है, यहां से तो यहां पे हम निशान लगा देते हैं, 1 से 10 हमको बनाना है। तो यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यहां पे 10 बन रहा है और इसके ऊपर बन रहा है 1 से यहां पे 12। ठीक है, तो हम पहले 10 में कॉइल डालेंगे, छोटी कॉइल। तो सेट में 2 कॉइल हैं, एक सेट में 2 कॉइल है, टोटल 6 सेट हैं। और सबसे छोटी कॉइल हम यहां से इंस्टॉल करेंगे 1 से 10 में, इस तरह से, ठीक है। तो हमारा एक कॉइल डल गया है। अब सेट का दूसरा कॉइल बचा है, उसको हम 12 में डालेंगे, जस्ट इसी के ऊपर। तो 12 ये रहा, इस तरह से। अब ये जो तार है वो आउटर तार है, ओ ये जो तार है वो इनर तार है। तो हमारा 2 कॉइलों का सेट यहाँ पे डल गया है 10 12 में। बीच में स्लॉट बचे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये चीज देखनी हमको, 8 स्लॉट छोड़ के 1 से 10, फिर 10 स्लॉट छोड़ के 1 से 12 बनता है। तो हमने यहाँ पे एक सेट इंस्टॉल कंप्लीट कर दिया है। अब अगला सेट इंस्टॉल करने से पहले आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आपको 2 स्लॉट खाली छोड़ने हैं अगला सेट इंस्टॉल करने से पहले, ठीक है। तो देखिए, यहां तक हमने डाल दिए, उसके बाद 2 स्किप करने हैं, 1 और 2, फिर आपको
छोटी वाली कॉइल इंस्टॉल करनी है सेट की, फिर आपको 1 से 10 बनाना पहले। तो यहाँ पर 1 2 छोड़ दिए हैं खाली, 2 छोड़ दिए हैं खाली। फिर अब देखिए यहाँ से बनाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमारा यहाँ पे बनता है, ठीक है, वही 8 स्लॉट बीच में इसके छूट जाते हैं। तो ये 1 से हमारा 10 बन गया, इससे ऊपर ला है जो 1 से 12 बन गया। तो जिस साइड से हमने इनर तार यहाँ से डाला था ऐसे करके, पहली छोटी कॉइल फिर बड़ी कॉइल, अब इसी तरह से पहली छोटी फिर बड़ी आगे बढ़ना है, इस तरफ बढ़ना है, ठीक है, इस तरफ बढ़ना है। तो 2 स्लॉट छोड़े, फिर आपको 1 सेट इंस्टॉल करना है इसी तरह से। ये इनर तार यहां से डाला, ठीक है, ये छोटी कॉइल डाली 1 से 10 में। अब 1 से 12 वाले में इसके ऊपर डल जाएगी, और ये हो जाता है आउटर तार। तो 2 सेट इस तरह से आपको इंस्टॉल कर देने हैं। उसके बाद दोस्तों मैं दूसरा अलग कलर ले लेता हूं। उसके बाद अगला सेट डालना है, तो फिर से 2 स्लॉट आपको यहां पे स्कीप कर देने हैं, ठीक है, 2 स्लॉट आपको स्कीप यहां पे कर देने हैं। ये वाले स्कीप कर देने हैं, फिर आपको 2 स्कीप करके अगले वाले में डालना है, इसका 1 से 10 बनाना है। तो यहां से स्टार्ट गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां पे 10 बनता है, और जस्ट इसके ऊपर लेफ्ट एंड राइट 12 बनता है। तो यहाँ पे हम ये पहला तार इनर होता है कॉइल का, यहां से हम डालेंगे, ठीक है, और इस तरह से यहां से हम इसको घुमाते हुए लेके आते हैं ऐसे, और फिर हम यहां से निकाल देते हैं। तो 1 से 10 में इस तरह से कॉइल डल जाता है, फिर इसके जस्ट ऊपर 1 से 12 में बड़ा वाला जो कॉइल होता है वो इंस्टॉल हो जाता है, और एक तार लास्ट का बचता है जिसको आउटर तार हम बोलते हैं। तो इस तरह से हमारे 3 सेट मोटर के अंदर इंस्टॉल होते हैं। उसके बाद अगला सेट इंस्टॉल हम करेंगे। तो अगला सेट इंस्टॉल करने के लिए हम अलग कलर ले रहे हैं, तो फिर से वही काम करना है, 2 स्कीप कर देने हैं स्लॉट, और फिर से नोट करना है अगले से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे 10 बनता है, और जस्ट इनके ऊपर 12 बनता है। तो यहाँ से हम तार डालते हैं, कॉइल को डालते हैं, ये इनर पॉइंट है, ठीक है, और यहां से इसको निकाल देते हैं, ठीक है, और 1 से 10 में डालने के पश्चात 12 में हम डालते हैं, इसके ऊपर है 12, और 12 में डालने के बाद जो है फिर आउटर तार निकल जाता है, ठीक है। तो टोटल 4 सेट इस तरह से इंस्टॉल होते हैं। अब 2 सेट हमारे और बच गए हैं, उसको भी हम जस्ट इसी तरह से सेम टू सेम तरीके से इंस्टॉल करते हैं। तो देखिए ध्यान से, हमने यहां पर डाला है, ठीक है, यहां तक हमने डाल दिया, यहां तक। अब उसके बाद हम 2 स्लॉट स्किप करेंगे, तो हमारे पास अगले खाली तो है नहीं, लेकिन हम भरे स्किप करेंगे, ये वाला स्किप कर दिया, ये वाला स्किप कर दिया। उसके बाद फिर से वही 1 से 10 बनाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे 10 बना है, और जस्ट इसके ऊपर यहाँ पे 12 बनेगा। तो पहले 10 वाले में हमको डालना है, ठीक है, तो इस तरह से आपको डाल देना है, ये इनर पॉइंट है। फिर इसके बाद 1 से 12 में इसके ऊपर डाल देना है,
जस्ट इसके ऊपर, और जो ये पॉइंट है इसको हम आउटर पॉइंट बोलेंगे। अब हमारा अंतिम छठा सेट बचा है, उसको हम इंस्टॉल करेंगे, ठीक है, उसको हम इंस्टॉल करेंगे। तो दोस्तों इनके बाद यहां पे हम फिर से दो स्कीप करेंगे, 1 2, ठीक है, और यहां पे हम बनाएंगे 10, यहां से बनाएंगे 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां पे 10 बनेगा और इसके ऊपर खाली बचा इसमें 12 बनेगा। अब यहां से भी हम उसी तरह से सेम इनर पॉइंट इधर रखेंगे और यहां से हम सेट डालेंगे, ठीक है, 1 से 10 में, फिर 1 से 12 में क्वाइल डलेगी और यहां पे एक आउट पॉइंट बच जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास टोटल 6 सेट थे, दो दो क्वाइलों के, ठीक है, तो हमने सारे के सारे डाल दिए हैं। अब हमारे पास इनर तार बचे हैं और आउटर तार, तो यहां पे गिन सकते हैं आप, 1 2 3 4 5 6, 6 इनर हैं और 6 आउटर, टोटल हमारे पास 12 तार बचे हैं। अब इन 12 तार का आप या तो स्टार कनेक्शन कर सकते हैं, मोटर के अंदर स्टार है तो स्टार कर सकते हैं, डेल्टा है तो डेल्टा कर सकते हैं, ठीक है, जो मोटर के अंदर कनेक्शन है वो आप कर सकते हैं। तो इस मोटर के अंदर ज़्यादातर स्टार कनेक्शन होते हैं, तो उस पर हम वीडियो बनाएंगे, एक छोटा सा अलग से वीडियो बनाएंगे कि जो तार निकले हैं इसको कैसे हम कनेक्ट करते हैं, टोटल 12 तारों के कनेक्शन कैसे करते हैं, तो अलग से एक अच्छा सा डायग्राम बना के आपको समझाएंगे दोस्तों। तो ये 24 3 फेज मोटर है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, थ्री फेस मोटर है समरसिबल की या पनडुब्बी मोटर जो होती है, ठीक है। ये समरसिबल मोटर है 3 फेस की, इसके आरपीएम है 2880 आरपीएम है, ठीक है, और इसकी चैन वाइंडिंग हमने की है, ठीक है, चैन, चैन वाइंडिंग हमने इसकी की है। जो मोटर का डेटा है वो सेम रहेगा, लेकिन जो वाइंडिंग करने का तरीका है वो थोड़ा तरीका चेंज होगा, ठीक है, बाकी मोटर के ऊपर स्पीड पर किसी चीज पे कोई भी प्रभाव इसका नहीं पड़ेगा, इस वाइंडिंग का, ये चीज आप ध्यान रखिए। तो कैसी लगी वीडियो, अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कनेक्शन वाला पार्ट देखने के लिए तैयार रहिए। अब अगले दिन हम इसका डालेंगे कनेक्शन वाला पार्ट, तो अच्छे से हम समझाएंगे एक अलग डायग्राम में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और कोई सवाल हो आपको वाइंडिंग डायग्राम से लेकर या कोई भी, तो हमें कमेंट करिए, या किस चीज़ पर आप वीडियो चाहते हैं वो भी हमें बताइए, ठीक है। तो फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।